हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जंतुओं का वर्गीकरण। आज हम जानेंगे जंतुओं के प्रकार और उनकी विशेषताएं क्या हैं, और ये जंतुओं का वर्गीकरण का पहला भाग होगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, जंतुओं को दो भागों में बाँटा गया है। एक है प्रोटोजोआ, एक को कहा गया मेटाजोआ। देखिए, प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्रथम जंतु, इसलिए इनको प्रथम जंतु भी कहते हैं। प्रोटो मतलब पहले, जोआ मतलब जंतु, यानी पहले जंतु। तो ज़मीन पर ये सबसे पहले बने हुए जंतु हैं। संरचना की अगर बात करें तो ये बिल्कुल सरल जंतु हैं और एक कोशिकीय हैं, यानी एक कोशिकीय जंतुओं को प्रोटोजोआ कहते हैं। इनकी ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। इनके आकार के बारे में बात करें तो ये सूक्ष्म होते हैं, इनको देखना नंगी आँखों से थोड़ा मुश्किल है, और इनका आकार जो है 0.01 से 3 mm तक के होते हैं, और ये अमूमन नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इसमें कुछ जंतु ऐसे हैं जो स्वपोषी हैं, नहीं तो बाकी परपोषी या परजीवी भी हैं। प्रोटोजोआ जंतु जो होते हैं ये हर जगहों पे हैं, यहाँ तक कि मानव के शरीर में भी ये पाए जाते हैं, और इनके उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, एंटा अमीबा, प्लाज्मोडियम और टाइपेनोसोमा। ये इनके उदाहरण हैं। ये थे कौन? प्रोटोजोआ। मेटाजोआ का मतलब होता है बहु कोशिकीय, यानी कई कोशिकाओं से बने हुए जंतु। ये एक कोशिकाओं से बने हुए जंतु होते हैं प्रोटोजोआ, जबकि ये क्या होते हैं? कई कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। पहले पे है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेस्थलमीज, निमेटोडा, एनीलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। इनमें कार्डेटा, मोलस्का और आर्थोपोडा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनके लिए मैं वीडियो अलग से ही बनाऊंगा। आज हम केवल बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं अब अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, एंटा अमीबा और प्लाज्मोडियम और टाइपेनोसोमा के बारे में। आइए देखते हैं हम कि इनके प्रकार और इनकी स्थितियाँ क्या हैं, इनके खोजकर्ता कौन कौन थे। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। देखिए, हम इसमें उन्हीं प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं या जिनसे सवाल बन सकते हैं। प्रोटोजोआ तो बहुत हैं, लेकिन ये फेमस है और इन्हीं से परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं, ख़ासतौर से SSC हो, चाहे रेलवे हो, पुलिस हो, कुछ में भी। और करते हैं चालू अमीबा के बारे में। देखिए, अमीबा का ये एक कोशिकीय जंतु होते हैं। प्रोटोजोआ समस्त के हैं, एक कोशिका से बने हुए जंतु होते हैं। अगर आप मेरी कोशिका का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ये एक कोशिकीय हैं, और क्या है कि इनका कोई भी आकार नहीं है। इसकी खोज किए थे, खोज करने वाले कौन थे? रोजन वान हाफ। सबसे अधिक फेमस या सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अमीबा है अमीबा प्रोटियस। इनमें लैंगिक अलैंगिक प्रजनन होता है। ज़रूरत पड़ने पर ये अपने हिस्सों को दो भागों में बांट लेते हैं और अलग अलग हिस्सों में बट के जीव की तरह बट जाते हैं। ये चलते हैं अपने कूट पादों से, और इसमें एक केंद्रक होता है और इससे अपना ये भोजन ग्रहण करते हैं। ये वाली भाग से इसको किसी तरह भोजन को लाएंगे और अपने अंदर करके इसे खा लेते हैं। उसके बाद आता है एंटा अमीबा। एंटा अमीबा की खोज देखिए लैम्बल ने किया था। इसकी खोज कौन किए थे? लैम्बल ने किए थे। और ये एक परजीवी प्रोटोजोआ है, और ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एंटा अमीबा हिस्टोलिका और एक होता है एंटा अमीबा जेंजेलेविस। एंटा अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा पेचिस नामक रोग होता है, अतिसार नामक रोग होता है। ये होते क्या है कि हमारी जो आंतें होती हैं, आंतों के अंदर छोटी छोटी विलाई होती हैं, संरचनाएँ होती हैं विली नाम की, इनमें ये जाके सट जाते हैं और इसको
ग्रसित कर देते हैं, जिससे हमारे आंतों से खून का रिसाव होना होता चालू और मल से खून आने लगता है। तो इस तरह से इससे खूनी पेचिस होते हैं एंटामीबा हिस्टोलिका से। दूसरा आता है एंटामीबा जेंजेलेविस। एंटामीबा जेंजेलेविस के द्वारा क्या होता है कि ये हमारे मसूड़ों पर अटैक करता है और मसूड़ों के अंदर जो हमारी दांतें होती हैं अंदर की तरफ, उनमें ये घुस जाता है और उनसे भोजन ये प्राप्त करता है और इनको और मसूड़ों से आती है खून और ये धीरे धीरे कमज़ोर होकर दांत जो है टूट जाते हैं। तो ये हमारे मसूड़ों को अटैक करता है, जबकि ये हमारे आंतों को भी हो भी छोटे वाले को। उसके बाद आता है पैरामीशियम। देखिए ये मनुष्य के चप्पल के आकार के होते हैं और ये स्वतंत्र जीवी है और नम स्थानों पे पाए जाते हैं। इनके चारों ओर सीली नाम की संरचना होती है बाल की तरह छोटे छोटे और ये इससे चलते हैं और इनमें प्रजनन जो होता है अलैंगिक और लैंगिक दोनों टाइप के होते हैं। और एंटामीबा हिस्टोलिका के जो वाहक हैं वो दूषित भोजन पानी पीने से ये दोनों फैलते हैं, हमारे शरीर में आते हैं और ये इसका है चित्र एंटामीबा का। उसके बाद अगला आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, युगलीना। युगलीना जो है वो क्या है, ये एकमात्र ऐसा जंतु है जिसमें क्लोरोफिल यानी हरित लवक पाया जाता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है और इसीलिए ये स्वतंत्र परजीवी है और ये अपना भोजन सूर्य द्वारा बना लेता है। इसलिए इसे युगलीना को जंतु और वनस्पत के बीच की कड़ी कहा गया और ये बहुत ही परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। युगलीना एकमात्र ऐसा जंतु या प्रोटोजोआ जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। उसके बाद अगला आता है प्रोटोजोआ, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। इसके द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। मलेरिया नामक रोग इसके फैलने का कारण वाहक क्या है, एनेफिलीज एजिप्टी मच्छर। एनेफिलीज एजिप्टी मच्छर यानी मादा वाली उसको होता है और ये हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हमारे आरबीसी को अटैक करते हैं। इससे शरीर में ठंड का लगना और बाद में पसीना आता है। इसकी एकमात्र जो दवाएं तो बहुत सी हैं, सबसे फेमस दवा है सिनकोना नामक पेड़ की छाल से निकाला गया कुनैन नामक दवा। इससे इसका इलाज होता है। तो ये कुछ प्रोटोजोआ थे जो परीक्षाओं में से सवाल आए हुए हैं। आगे वाले में हम देखेंगे मेटाजोआ में उसमें कितने ग्रुप हैं, कौन कौन से हैं, उनकी बनावट क्या है, उसके बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब इसे कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा। भूगोल इतिहास हर सब्जेक्ट पे बनेंगे और मेरे फेसबुक और टेलीग्राम पेज को भी लाइक करें। तो बस आज के लिए तो इतना ही है, मिलेंगे हम लोग फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।